इस वक्त की बड़ी खबर उज्बेकिस्तान से सामने आ रही है, जहां भारतीय बिजनेसमैन को 21 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीले कफ सिरप मामले में यह सजा सुनाई है। भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप सिंह को 21 साल की सजा सुनाई गई है। जहरीले कफ सिरप से 68 लोगों की मौत हुई थी। अब इस मामले में उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र को 21 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर उज्बेकिस्तान से सामने आ रही है, जहां भारतीय बिजनेसमैन को 21 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीले कफ सिरप मामले में यह सजा सुनाई है। भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप सिंह को 21 साल की सजा सुनाई गई है। जहरीले कफ सिरप से 68 लोगों की मौत हुई थी। अब इस मामले में उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र को 21 साल की सजा सुनाई है।